झारखंड बचाओ क्रांति सेना समिति एक रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है और पूर्व का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एक रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। तो नहीं लड़ूंगा और चुनावी राजनीति से खुद को दूर रखूंगा। कई लोगों को ऐसी भ्रांतियां थी कि मैंने पूर्व में जिस संगठन को छोड़ा है उस संगठन में मेरा किसी इस बिंदु पर विवाद था। तमाम साथी जिनसे मेरी चर्चा और परिचर्चाएँ हुई है, आज इस बात का हम ऐलान करना चाहते हैं कि हम अपने तमाम झारखंडी वैसे नौजवानों के साथ जो अलग अलग देश के संस्थानों से पढ़ाई लिखाई करके आए हैं और झारखंड को कुछ देना चाहते हैं, झारखंड के लिए कुछ करना चाहते हैं, जैसे हमारे समक्ष अभिषेक जी बैठे हैं, इन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई की, इस वक्त झारखंड की सेवा करना चाहते हैं। हमारे BOC से पढ़े हुए रोहित जी हैं, हमारे समक्ष भुवनेश्वर यादव जी हैं जो लगातार 20-25 सालों से सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर अपनी भूमिका को अदा कर रहे हैं, और वैसे तमाम साथी जो इस वक्त कैमरे में नहीं हैं, कैमरे के पीछे जो और भी कई साथी हैं और जो इस संगठन के निर्माण की भूमिका में रहे हैं। संगठन के निर्माण की भूमिका में कहने का अर्थ ये है कि आज पूरे झारखंड के लोगों को ये मैं बताना चाहता हूँ कि एक नए संगठन का ऐलान झारखंड की धरती में होने जा रहा है और ये संगठन झारखंड के मुद्दों को लेकर, झारखंड के नीतियों को लेकर, झारखंड के नियमों को लेकर, झारखंड के विकास को लेकर, झारखंड के विस्थापन को लेकर, झारखंड के पुनर्वास को लेकर और उन सभी बिंदुओं को लेकर जिन बिंदुओं की लड़ाई लगभग 3 सालों में 2.5 सालों में हम लोगों ने लड़ी है और जो झारखंडी जनमानस के समक्ष हम लोगों ने रखा है, उन्हीं बिंदुओं को रखते हुए एक नए संगठन का ऐलान कर रहे हैं। और उस जो संगठन का नाम है उसका नाम भी आप लोगों के समक्ष ऐलान करना चाहते हैं और अपने तमाम साथियों को ये बताना चाहते हैं कि इसे मीडिया के सामने आप सब प्रस्तुत करें। आइए खड़े हो जाइए। तो झारखंड बचाओ क्रांति सेना समिति हमारे नए संगठन का नाम है और ये संगठन पूरे झारखंड में झारखंडी मुद्दों को लेकर काम करेगा और तमाम झारखंडी जनमानस को ये बताना चाहते हैं कि चूंकि झारखंड बचाने की एक क्रांति की शुरुआत तमाम साथियों ने की थी 24 दिसंबर 2021 की तारीख को और उसके बाद अलग अलग घटनाक्रम अलग अलग कहिए कि परिदृश्य बदलते रहे और उसके बाद हम लोगों ने एक राजनीतिक सफ़र भी तय किया, चुनाव भी लड़ा, लेकिन मुझे ये महसूस हुआ कि झारखंड को नीतियों के आधार पर समाधान देने की ज़रूरत है और इसलिए देश के तमाम बड़े संस्थाओं से कई ऐसे रिसर्च स्कॉलर, कई ऐसे हमारे साथी जो अलग अलग संस्थानों में पढ़ाई कर रहे हैं और झारखंड को कुछ देना चाहते हैं, उनके लिए हम लोगों ने झारखंड बचाओ क्रांति सेना समिति का गठन किया है। और इस क्रांति सेना समिति के गठन की जो केंद्रीय कार्य समिति है आज शाम तक या कल सुबह तक इसकी घोषणा कर दी जाएगी और उसके बाद आने वाले वक्त में झारखंड के चुनाव में हमारी क्या भूमिका होगी इसको हम लोग तय करेंगे। ये बात मैं ऐलान करना चाहता हूँ कि मैं स्वयं चुनाव नहीं लड़ूंगा और चुनावी राजनीति से खुद को दूर रखूंगा। कई लोगों को ऐसी भ्रांतियां थी कि मैंने पूर्व में जिस संगठन को छोड़ा है उस संगठन में मेरा किसी इस बिंदु पर विवाद था कि मैं चुनाव लड़ना चाहता हूं, लेकिन मैं मीडिया के समक्ष यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूं। लेकिन अगर ऐसी कोई परिस्थितियां बनी कि झारखंड के वैसे नौजवान जो झारखंड को कुछ देना चाहते हैं और उन लोगों को अगर चुनावी राजनीति में लाने की ज़रूरत पड़ेगी तो ये संगठन इस तरीके का भी निर्णय लेगा। लेकिन फिलहाल इस संगठन की घोषणा के बाद हम एक सम्मेलन बुलाएंगे और सम्मेलन में इन सारे बिंदुओं पर हम लोग चर्चा और परिचर्चा करेंगे। इसका भी फुल शॉर्ट फॉर्म JBKSSE जी, इस संगठन का भी शॉर्ट फॉर्म JBKSS है और इसके पीछे इसकी वजह यह है क्योंकि इस शब्द के साथ, इस शॉर्ट फॉर्म के साथ झारखंडी जनमानस के समक्ष हम लोगों ने जिन बिंदुओं को पहुंचाया है और उन समान बिंदुओं को झारखंडी जनमानस तक लेकर के जाना है, क्योंकि ये मुझे महसूस हुआ है कि कुछ चीज़ें डीरेल हो रही हैं और वो मूल उद्देश्यों से भटकता हुआ प्रतीत हो रहा है, इसलिए इसकी आवश्यकता महसूस हो रही है और इस बात का विश्वास झारखंडी जनमानस को दिलाना चाहते हैं कि जो भी होगा बहुत ही शानदार होगा, बेहतर होगा और झारखंड की धरती के लिए एक बेहतर निर्णय यहाँ के नौजवान लेंगे। मैं आपको ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जो नाम की समानता की बात है, मैंने क्या कहा कि झारखंड बचाने की ही क्रांति कर रहे थे हम लोग और हम लोगों ने सेना तैयार की थी, लेकिन जब सेना डीरेल हो जाती है तो उसके बाद कोई फैसला लेना पड़ता है। तो झारखंड बचाने की यह क्रांति जारी रहेगी और इसका झारखंड बचाओ क्रांति सेना समिति इस लड़ाई को, इस सफ़र को आगे बढ़ाएगा। आज हम लोग एक वेबसाइट भी लॉन्च कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहूँगा तमाम साथियों को
कि JBKSS झारखंड.in के माध्यम से कोई भी एक झारखंडी जनमानस इस संगठन का निःशुल्क सदस्य बन सकता है। JBKSS झारखंड.in हमारा वेबसाइट है और इस वेबसाइट पर आप लॉगिन करके वहां पर मेंबरशिप ले सकते हैं और कोई भी एक झारखंड का सामान्य आदमी निःशुल्क सदस्य इस संगठन का बन सकता है। निर्माण का कुछ उद्देश्य बता दीजिए। जी का कुछ उद्देश्य जी ये जो आपने रखा है अपने नए संगठन का नाम, क्या इसका उद्देश्य यही था कि शॉर्ट फॉर्म निकलकर JBKSS आए, क्योंकि JBKSS JLKM से ज्यादा। मैं आपको यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि झारखंड बचाओ क्रांति सेना समिति एक रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है और पूर्व का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एक रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। तो झारखंड बचाओ क्रांति सेना समिति लीगली एक पंजीकृत संस्था है, एक पंजीकृत संगठन है जिसका अपना वेबसाइट JBKSS झारखंड.in है और उसके बाद झारखंडी जनमानस को हम लोग जोड़ेंगे। निर्माण का कुछ उद्देश्य बता दीजिए। निर्माण का उद्देश्य है कि झारखंड के जिन बिंदुओं को लेकर, यहाँ के विस्थापन, पुनर्वास, नियोजन, स्थानीयता, जिन बिंदुओं को लेकर हम लोगों ने लड़ाई लड़ी थी और झारखंड के तमाम जनमानस को हम लोगों ने एकजुट करने का प्रयास किया था, उन्हीं उद्देश्यों के साथ हम लोग लड़ रहे हैं। और JBKSS झारखंड.in पर जैसे ही आप जाएंगे तो पहला ही पॉइंट उद्देश्य है, आप उस उद्देश्य को भी वहां पर पढ़ सकते हैं। विधानसभा चुनाव में JBKSS संजय मेहता वर्सेस जयराम में तो होगा क्या, आप उतारेंगे कैंडिडेट? झारखंड की जनता इसका फैसला करेगी, इसका मूल्यांकन करेगी कि क्या सही है और क्या गलत है। लेकिन मैं इस बात की वकालत करता हूं कि झारखंड को अगर समाधान का रास्ता देना है तो वो नीतियों के आधार पर ही होगा और नीतियों के आधार पर समाधान निकालने के लिए इस बात की ज़रूरत है कि ऐसे नौजवानों की फौज तैयार की जाए जो शिक्षित हैं, जो झारखंड के लिए कुछ ड्राफ्ट तैयार कर सकते हों, जो झारखंड के लिए कुछ नीतियां तैयार कर सकते हों या फिर वो चुनावी राजनीति में आकर के झारखंड को सुधार सकते हैं। इससे पहले जो JBKSS था उसमें क्या नीतियां नहीं थी, वो नीति बनाने लायक नहीं थे? मैंने ये महसूस किया कि वह पूरी तरीके से एक सिंडिकेट में तब्दील हो रहा है और पूरी तरीके से उद्देश्यों से भटक रहा है और जिसके कारण से मुझे ये आवश्यकता महसूस हुई कि झारखंड के लोगों को एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है और इस प्लेटफॉर्म के लिए हम लोगों ने ये सफ़र की शुरुआत की है। ऐसा माना जाए कि 24 में युवाओं की सरकार होगी? देखिए, युवाओं को तो राजनीति में आना ही चाहिए, लेकिन सरकार बनाने की जहाँ तक बात है वो जनता फैसला तय करती, इसको जनता पर छोड़ते हैं। लेकिन एक बात तो तय है कि हम झारखंडी नौजवानों को एकजुट करेंगे और संजय मेहता चुनाव नहीं लड़ेगा, लेकिन अगर ऐसा कोई नौजवान चुनाव लड़ने की इच्छा रखता है तो संगठन चुनाव भी उनको लड़ा सकता है। आपके साथ साथ कई और लोगों ने रिजाइन दिया है आपके पुराने संगठन से, क्या वो लोग भी आपके इस नए संगठन में जुड़ने में काम करेंगे, जुड़ेंगे? हर एक झारखंडी जिसके अंदर ये पीड़ा है, ये दर्द है कि वो झारखंड के लिए कुछ करना चाहता है, हम ये आह्वान करते हैं कि आइए जुड़िए और इस संगठन में इस बात का हम भरोसा दिलाते हैं कि चाहे वो सामाजिक न्याय की बात हो या सबको साथ लेकर के चलने की बात हो, चाहे झारखंड के आदिवासियों के मुद्दे हो, चाहे सरना धर्म कोड का मुद्दा हो, चाहे यहाँ पर विस्थापन की बात हो, चाहे पुनर्वास की बात हो, इन सारे पहलुओं को हम लोग उठाना चाहते हैं। और अगर आप ये कहेंगे कि ये सवाल जो लेकर के आप लोग चल रहे हैं उसमें मूल मुद्दे क्या होंगे, हम लोगों ने आज ये फैसला किया कि हमारे संगठन का प्राथमिक उद्देश्य झारखंड के लोगों का अगर कल्याण है, उत्पाद सिपाही की भर्ती में हमारे झारखंड के कई नौजवानों का देहांत हो गया, आज संगठन के पहले ही दिन घोषणा के दिन इस बात का ऐलान करना चाहते हैं और सरकार से ये मांग करना चाहते हैं कि उन तमाम पीड़ित परिवारों को सरकार कम से कम 50 लाख रुपए की मुआवजा राशि दे। और इस मांग को हम लोग तेज करेंगे कि उत्पाद सिपाही की दौड़ में जिन अभ्यर्थियों का भी देहांत हुआ है उन सबके परिवारों को सरकार तत्काल सहायता दे। झारखंड बचाओ किस लिए नाम रखें? जी मैं इसको स्पष्ट करना चाहता हूँ, झारखंड के अंदर ब्यूरोक्रेसी के स्तर पर और राजनीति के स्तर पर एक ऐसा सिंडिकेट, एक ऐसा गिरोह काम कर रहा है जो झारखंड में झारखंडी लोगों का कल्याण नहीं चाहता है। इसका एक स्पष्ट उदाहरण मैं देना चाहता हूँ कि झारखंड के लिए जब भी कोई नीतियाँ बन रही हैं तो वो नीतियाँ बार बार फंस जा रही हैं। जैसे अगर झारखंड की स्थानीय नीति बनी, राज्यपाल महोदय ने उसको रिजेक्ट किया, झारखंड के लिए OBC ST SC EWS रिजर्वेशन का विधेयक बना 77% का, उसको रिजेक्ट कर दिया गया। सरना धर्म कोड पर कोई चर्चा परिचर्चा नहीं हुई, 9वीं अनुसूची में स्थानीय नीति को शामिल करना था, इस पर भी कोई बात सामने नहीं आई।
इससे यह स्पष्ट होता है कि नौकरशाही के स्तर पर और राजनीति के स्तर पर झारखंड में एक ऐसा सिंडिकेट, एक ऐसा कॉकस है जो झारखंड को बर्बाद करना चाहता है, उन्हीं से हम झारखंड को बचाना चाहते हैं। जेबीकेसी से अलग होने का कारण सिर्फ उसमें जो सिंडिकेट है वो है या और कोई कुछ रीज़न है? मैंने तो स्पष्ट कहा कि जब आप कोई संगठन में काम करते हैं तो संगठन के जो मूल उद्देश्य होते हैं, अगर उन उद्देश्यों से, उन संकल्पों से ही अगर राह मोड़ लिया जाए तो सिर्फ हम लोग किसी तरीके से सांसद विधायक बनने के लिए झारखंड में केस मुकदमा नहीं झेल रहे थे। हम लोगों का साफ उद्देश्य है कि हम लोग झारखंड में कुछ करके झारखंड के लोगों की सेवा कर सकें। दो महीना पहले आप जेबी केसेस में बुला रहे थे लोगों को, दो महीने बाद आप दूसरे जेबी केसेस में बुला रहे हैं झारखंड के लोगों। राजनीति में ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं, लेकिन फिर भी मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि अगले कुछ दिनों में झारखंडी जनमानस को ये संदेश चला जाएगा कि असल में काम कहाँ हो रहा है। हम पूरा ड्राफ्ट लेकर के आ रहे हैं जनता के बीच में, हमारे पास क्या समाधान का रास्ता होगा, कैसे हम क्या करेंगे, पूरा ड्राफ्ट और मैनिफेस्टो हम लेकर के आ रहे हैं। जनता से पूछेंगे कि क्या करना चाहिए, अगर जनता कहेगी कि हम कुछ चुनावी राजनीति में किसी को लड़ाएं तो उस पर हम लोग निर्णय भी लेंगे।